नमस्कार दोस्तों, एक चीज सोच सोच के परेशानी ये हो रही है कि अपना सपनों घर तो बनाना है, लेकिन ये सोच रहा हूं कि किसी इंजीनियर चाहे ठेकेदार को घर बनाने के लिए दे दिया जाए, या जो है खुद ही जो है दिहाड़ी मजदूर ला करके शुरू किया जाए। ये कंफ्यूजन जो सवाल है हर किसी के दिमाग में आता है। कहीं ना कहीं जो है लोग के मन में ये भी है कि अगर हम किसी ठेकेदार को काम दे देंगे ना, काम खराब कर देगा। हाँ, लेकिन अगर किसी इंजीनियर को देंगे तो वो काम बहुत अच्छा करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन हर जगह तो इंजीनियर मिलता नहीं है जो कि आपका जो है सपनों घर पूरा करने में मदद करेगा। फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी इंजीनियर चाहे ठेकेदार को काम देते हैं तो वो ज़्यादा पैसा ले लेगा, तो क्यों ना जो है अपने से दिहाड़ी में काम करवाया जाए। तो लोग उस समय भूल जाते हैं कि अगर आप दिहाड़ी में काम करवाएंगे, डेली लेबर वाला मंगाएंगे, तो भाई आपके पास मटेरियल कहाँ से आएगा। सटरिंग मेटल की बात कर रहा हूँ। सटरिंग मेटल में प्लाई हो गया, प्लाईवुड हो गया, बांस हो गया, कटर मशीन हो गया, सरिया कटर मशीन, प्लाई कटर मशीन, फावड़ा, बेलचा, बैटन और भी बहुत सारे टूल्स है जो कि आपको जो है परचेज करना पड़ेगा। जबकि ये सब टूल्स जो है आप जिस भी इंजीनियर चाहे कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं उसके पास पहले से मतलब उपलब्ध होता है। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ दिन पहले एक कॉल आया था कि बोला कि सर हम लोग खुद ही अपने से काम कर लेंगे, मेरा अपना ही जान पहचान का जो है लोग है। मैंने उससे पूछा, ठीक है आप काम करवा लेंगे तो आपको तो प्लाई खरीदना पड़ेगा, कटर मशीन खरीदना पड़ेगा, सरिया कटर मशीन, प्लाई कटर मशीन खरीदना पड़ेगा, वाइब्रेटर खरीदना पड़ेगा, बांस खरीदना पड़ेगा, बहुत सारा रस्सी, बहुत सारा चीज़, जितने भी टूल्स यूज होता है घर बनाने सब खरीदना पड़ेगा। तब उसको याद है कि नहीं भाई इसे में तो बहुत खर्चा हो जाएगा, मतलब फिर उससे जब काम मेरा घर का काम हो जाएगा वो सब क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ पहले से उपलब्ध रहता है आपका इंजीनियर चाहे ठेकेदार के पास से। हम यहाँ पे इंजीनियर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं एज ए खुद इंजीनियर, और अभी बहुत ऐसे इंजीनियर हैं जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में आ चुके हैं, जो कि आपका घर, आपका सपनों का घर को वो पूरी तरीके से जो है क्वालिटी के साथ काम करते हैं, और हम लोग भी करते हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर आप लोग कहाँ कहाँ करते हैं। हमारा सर्विसेज रांची और राउरकेला उड़ीसा और विद इन 100 किलोमीटर रेडियस दोनों का हम यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं, जहाँ पे हमारा सुपरविजन में आपका सपनों का घर हम तैयार करके देंगे। बस इसमें कुछ करना नहीं है, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम जो है आपका सपनों का घर पूरा करें बना करके देंगे। यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा, अगर आप जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, आपके पास समय नहीं है, आप सारा काम विथ मटेरियल के साथ आप हमें हैंडओवर कर देंगे, हम उसको जो है पूरा करेंगे विद इन टाइम पीरियड के हिसाब से। और साथ ही यहाँ पे आपको जो है क्वालिटी के साथ काम मिलेगा। आप अगर राउरकेला के हो चाहे रांची के हो, जब भी बोलिए विजिट कीजिए, हमारा जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसको देखिए, वहां से आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कि भाई इस तरह से काम करना मतलब होना है। तो ये सब चीज का जानकारी है जो कि अगर आप आपको जो है करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारा सर्विसेज बस दो ही जगह है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, पटना से हो गया, यहाँ तक कि अलग अलग जगह से, राजस्थान से, गुजरात से, दिल्ली से, जहाँ पे वहाँ पे मेरा सर्विसेज नहीं है, ओनली जो है आपका रांची और राउरकेला दो जगह है जहाँ पे जो है हम लोग का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है इस सीजन का, अभी जब पिछला सीजन का 10 प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग चल रहा है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास सारा टीम है जो कि हमारा टीम आपके आप ही का जमीन पे, आप ही का लोकेशन पे जा करके जो है वो काम पूरा करेगा। तो खैर ये हो गया, तो हम यहाँ पे दिहाड़ी और कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। तो दिहाड़ी में तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि क्या कि आपको सारा सामान खरीदना पड़ेगा, आप भाड़ा पे लाएंगे वो भी तो आपको महंगा पड़ जाएगा, और जो है आपको खुद ही रह करके वहाँ पे काम करवाना पड़ेगा। यहाँ पे एक सारा जिम्मेदारी आपका जो इंजीनियर चाहे कॉन्ट्रैक्टर ले लेगा, उसके सुपरविजन में आपका सारा काम करके देगा।
बस आपको पेमेंट करना, सुपरविजन करना, मालिक जैसा आइए काम देखिए कि भाई जो काम जो है जिस क्वालिटी से तो होना चाहिए हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही सब चीज़ है। तो मेरा बस इसमें यही कहना है कि क्वालिटी के साथ अगर काम करवाना हो तो आप जो है खुद से मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे खुद से शुरू करेंगे तो आपको लगेगा हम पैसा बचा लेंगे, लेकिन जो है इतना जो है गलत काम हो जाएगा, घर भी कमज़ोर बन जाएगा, फिर लाखों रुपए का फिर उसको तोड़ के नया बनाओ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंजीनियर के सुपरविजन में रहने से जो आपका काम फटाफट जो है क्वालिटी के साथ चलते रहेगा। सिविल काम और फिनिशिंग काम दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो आप किस में जा रहे हैं? अब आप बोलेंगे सर गाँव घर में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में आपको इंजीनियर मिल जाएगा जिसका सुपरविजन आप बना सकते हैं, और अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए, उसका प्रीवियस 2-3 काम देख लीजिए किस हिसाब से काम हुआ था, और वहाँ के घर के मालिक से बात कर लीजिए कि भाई ये कैसा काम करता है, तब जाकर के आप दीजिए। कोई नव सीखा को मत दीजिए, चाहे किसी इवन के कि किसी मिस्त्री को, इंडिविजुअल मिस्त्री को भी हैंड ओवर नहीं करना है काम, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मिस्त्री के पास उतना ही जानकारी है जितना प्रीवियस 1-2 जगह या 10 जगह काम किया होगा, वो देखा देखी में कहाँ इतना होना कितना होना चाहिए, वो सही तरीका नहीं है। पहले आप नक्शा तैयार करवाइए, नक्शा के बाद जो है फिर उसमें ऊपर स्ट्रक्चर ड्राइंग बनेगा, क्या क्या फाउंडेशन से लेकर के छत तक का क्या साइज क्या सरिया रहेगा वो सब कुछ, तब जा करके इसमें आपका काम हुआ। मिस्त्री के भरोसे बिल्कुल नहीं रहिएगा, रिक्वेस्ट आपसे। और काम जो है किसी इंजीनियर चाहे ठेकेदार को दीजिए, अब दिहाड़ी वाला बिल्कुल मत करिए, आपको बहुत परेशानी हो जाएगा, हर सामान आपको जो परचेज करना पड़ेगा हर जगह से, लेकिन यहाँ पे हर इन लोग का जो है पहले से जो है पता रहता है कि भाई सीमेंट सरिया बालू गिट्टी टाइल पेंट पुट्टी लकड़ी सामान कहाँ से लाना है, तो आप उनके साथ जाइए, लेकिन जो है सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दीजिए, क्योंकि अभी के समय में जो है जो एक्सपर्ट हो इस फील्ड में उसको काम दीजिए, आप खुद ही मत लग जाइए 2 पैसा बचाने के लिए, काम भी खराब हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जिससे क्या है कि आपका जो है बिल्डिंग पूरी तरीके से जो कमज़ोर हो जाएगा और समय से पहले जो है बिल्डिंग क्रैक होने लगेगा और छत भी जो है टूट टूट के गिरने लगेगा। ये ध्यान में लेकर चलिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, आज के लिए बस इतना ही। आप कैसे जा रहे हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए, रांची और राउरकेला के हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए, हम आपके लिए हाजिर हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।